हे गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं वेज पिज़्ज़ा। देख रहे हैं ना, ये कितना अच्छा देखने में लग रहा है और इसे बनाना भी बहुत आसान है और मैं इसे कढ़ाई में बनाऊंगी। तो चलिए वेज पिज़्ज़ा बनाना शुरू करते हैं। मैं आज इस वीडियो में पिज़्ज़ा बेस और पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं पिज़्ज़ा बेस। पिज़्ज़ा बेस बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए हैं वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पर एक कटोरी मैदा लूँगी, 4 चम्मच ये दही है, घर का फ्रेश दही है, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर है और 1/2 चम्मच मैंने चीनी ली है और 1/2 चम्मच मैं नमक लूँगी। तो सबसे पहले मैं एक बर्तन में मैदे को डाल लूँगी। इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, नमक 1/2 चम्मच और 1/2 चम्मच शक्कर डालकर इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसका जो आटा है वो हम दही से लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं 3 चम्मच दही डालूँगी और इसे अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। और अब मैं 1 चम्मच दही और डाल दूंगी और इसे अच्छे से हाथों से हम गूंद लेंगे, मसल मसल कर। ये थोड़ा सा तो गीला गीला चिपचिपा पहले लगेगा, लेकिन जैसे जैसे ये गूंदने लगेगा वैसे वैसे ये सॉफ्ट सा डो तैयार हो जाएगा और आपके हाथों में भी नहीं लगेगा। लेकिन इसे गूंदने में थोड़ा समय लगेगा फ्रेंड्स, फिर भी 10 मिनट लग जाएंगे क्योंकि ये थोड़ा चिपचिपा हो जाता है। और अगर आपको लगता है आपसे दही ज़्यादा आपने दही ज़्यादा डाल लिया तो आप 1 चम्मच मैदा और डाल दीजिएगा और इसे हम 2 चम्मच तेल डालकर अच्छे से गूंध लेंगे। देखिए मेरा डो बनकर तैयार हो गया है और अब मैं इसमें इसके 2 भाग कर लूँगी। उसमें से मैंने 1 लोई ली है और उसमें सूखा आटा डालकर इसे मैं बेल लूँगी। इसे ना हमें ज़्यादा मोटा बेलना है और ना ही ज़्यादा पतला बेलना है। देखिए कुछ इस तरीके से बेलना है। ये देखिए पिज़्ज़ा बेस मेरा मैंने बेल लिया है। अब मैं इसे बेक कर लूँगी। तो मैं आज इसे एक स्टील की प्लेट में बेक करूँगी। इसमें मैंने 1/2 चम्मच घी डालकर उसे ग्रीस कर लिया है और ये जो हमने पिज़्ज़ा ब्रेड बनाई है, बेस बनाया है, इसे मैं इसके ऊपर रख दूँगी और फॉर्क की मदद से इसमें मैं छेद छेद कर दूँगी। अब हम इसे बेक करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस में एक कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैं 1 कटोरी नमक डालूंगी। नमक डालने से जो भी चीज़ हम बेक करते हैं उसमें हीट बराबर से पड़ती है, इसलिए हम नमक डालते। चाहे तो आप नमक ना भी डालें। इस तरीके का मैंने स्टैंड ले लिया है और आप चाहे तो इसे इसकी जगह 1 कटोरी या फिर वायर स्टैंड आता है ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसे मैं ढककर लो फ्लेम में 10 मिनट के लिए प्री हीट होने रख दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं अपना जो पिज़्ज़ा बेस है उसे मैं इसके अंदर रख दूंगी और इसे ढककर मैं 5 मिनट तक स्लो फ्लेम में बेक कर लूंगी। यस गाइस, 5 मिनट से ज़्यादा इसे बेक करने में नहीं लगता है। देखिए 5 मिनट हो गए हैं और हमारा पिज़्ज़ा बेस भी बनकर तैयार हो गया है। और अब हम बना लेते हैं पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए, मैंने एक कढ़ाही ली है, उसमें 1 टमाटर को मोटा मोटा काट लिया है और 1/2 प्याज को भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। बस इसमें मैं 1 ग्लास पानी डालूंगी और इसे ढककर मीडियम फ्लेम में 1 मिनट तक बॉईल कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट हो गए हैं। अब मैंने 1 मिर्च ली थी, उसे बीच से मैंने तोड़ लिया है, काट लिया है और इसे डालकर मैं फिर से 1 मिनट और बॉईल कर लूंगी। इसमें आप स्वादानुसार नमक भी डाल दीजिएगा। देखिए हमारा टमाटर, प्याज और मिर्च है वो सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसे 1 प्लेट में निकाल लूँगी और मिक्सी में इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी, एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं, मतलब जो हमने चटनी बनाई थी इसमें तड़का लगा देते हैं। तो मैंने गैस में 1 कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें 1 चम्मच तेल डाला है
और 1 चम्मच मैंने इसमें गार्लिक डाल दी है यानी कि लहसुन डाल दी है, और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और हमने जो पेस्ट बनाया था टमाटर प्याज और मिर्च का उसे मैं इसमें डाल दूंगी, और इसे अच्छे से हम चला लेंगे और 1 मिनट तक लो फ्लेम में इसे बॉईल कर लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पिज़्ज़ा सॉस भी बनकर तैयार हो गया है। बहुत आसान है इसे बनाना और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब हम पिज़्ज़ा टॉपिंग बना लेंगे। पिज़्ज़ा टॉपिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है पनीर, शिमला मिर्च और प्याज जिसे मैंने लंबे लंबे टुकड़े में काट लिया है, और यहाँ मैंने 1 चम्मच कॉर्न और आधा टमाटर भी लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। अब हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, उसमें मैंने पनीर डाल दिया है। इसमें हम कुछ सूखे मसाले डाल देंगे, जैसे कि 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और 2 चम्मच हम सरसों का तेल डालेंगे, और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे, और इसे पनीर को सब मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। अब जो बचा हुआ मसाला दिख रहा होगा आपको, इसमें मैं अपनी सब्जियां डालकर इस मसाले में मिक्स कर लूँगी। और इसमें 1/2 चम्मच तेल और डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैंने गैस में एक कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें हम पनीर को और सब्जियों को थोड़ी देर तक फ्राई कर लेंगे, यानी 1 मिनट तक थोड़ा सा पका लेंगे। सबसे पहले मैं पनीर को डालकर 1 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। इसमें हमें मसाला या फिर तेल डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पनीर में ऑलरेडी डाल दिया था। बस इसे 1 मिनट तक ऐसे ही चला चला कर हमें पका लेना है। पनीर हमारे तल गए हैं तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और अब मैं सब्जियों को ढक कर 1 मिनट तक पका लूँगी। और यहाँ पे जो मैंने कॉर्न यूज़ किया है, ये जो अपना देसी भुट्टा आता है उसे मैंने बॉईल कर लिया था, और 1 चम्मच मैंने उसी को यूज़ किया है। अब 1 मिनट हो गए हैं, मैंने इसे भी ढककर अच्छे से पका लिया था, और अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब एक जो मैंने सब्जी ली थी उसे चॉपिंग बोर्ड में निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में इसे हम नाइफ़ की मदद से काट लेंगे। इसी तरीके से हम पनीर को भी काट लेंगे। पनीर को चाहें तो आप हाथों से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ चाकू से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। अब हम पिज़्ज़ा बेक करेंगे, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 कटोरी नमक डाल दिया और स्टैंड लगा के 10 मिनट तक प्री हीट होने रख दिया है। तब तक हम अपने पिज़्ज़ा बेस में पिज़्ज़ा सॉस और टॉपिंग लगा लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से हमें पिज़्ज़ा सॉस इसमें लगा लेना है। और अब मैंने यहाँ पे चीज़ डाल लिया, मैंने प्रोसेस चीज़ का यूज़ किया है, आप चाहें तो मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से डाल देंगे, पिज़्ज़ा में चीज़ बहुत अच्छा लगता है। और अब जो हमने पनीर को काट के रखे थे उसे भी मैं इसमें डालकर अच्छे से फैला लूँगी, कुछ इस तरीके से। और अब जो हमने सब्जियाँ ली थी जैसे कि शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और कॉर्न, उसे भी मैं अच्छे से इसमें डालकर फैला लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरीके से। ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, आप एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा। और अब इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा चीज़ और डाल दूँगी। वाओ, लग रहा है ना, ये कितना अच्छा देखने में लग रहा है, कितना कलरफुल है। अच्छे से हम इसमें और चीज़ को स्प्रेड कर देंगे। और अब मैं इसे बेक करने रख देती हूँ।
तो हमें इसे ज़्यादा कुक नहीं करना है, ज़्यादा बेक नहीं करना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब्ज़ी और सब कुछ पिज़्ज़ा बेस सब हमारा पका हुआ है। तो बस इस तरीके से मैं इसमें रख कर 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में पका लूँगी। 5 मिनट बाद देखिए फ्रेंड्स, मेरा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एंड बिलीव मी, जितना अच्छे देखने में लग रहा है ना, उतना ही ज़्यादा स्वादिष्ट है खाने में भी है। एक बार ज़रूर आप बना कर देखिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा फ्रेंड्स, ताकि मैं नए वीडियोस डालूं तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।